चलो दोस्तों, हम लोगों ने टोस्ट का तो इतना पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद जो टोस्ट के अंदर जो क्रशेस रहते हैं वो बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल टूल लिया। पेंसिल टूल से यहाँ पे मैं एक पाथ क्रिएट करता हूँ ऐसे अप एंड डाउन शेप में। अगर टोस्ट के बाहर भी पाथ चला गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुए, आप जैसा है वैसे करते जाइए। तो इतना पाथ मैंने क्रिएट कर दिया है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं ग्रेडियंट ऑप्शन। ग्रेडियंट ऑप्शन यहाँ अगर यहाँ पे है नहीं तो आप विंडो में जाके आप ले सकते हो। ग्रेडियंट ऑन किया मैंने तो ग्रेडियंट यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। सॉरी, इससे पहले ग्रेडियंट डालूँ, इससे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, विंडोज़ एंड ब्रशेस ऑन किया मैंने। ब्रशेस ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रशेस लाइब्रेरी में क्लिक किया, आर्टिस्टिक एंड आर्टिस्टिक इंक लिया। ओके, एक सेकेंड, ये आर्टिस्टिक इंक वाला ऑप्शन ऑन कर दिया और इसमें से आप देख सकते हो इंक के ऑप्शन कितने हैं। तो ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, इंक स्प्लेटर, और उसकी विड्थ कम कर देता हूँ मैं। स्ट्रोक मैंने कम कर दिया, 0.25 रखा है। इसके बाद ग्रेडियंट ऑन किया मैंने, ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ मैं इसको। ओके, यहाँ पे लीनियर ये रखना है आपको। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, ऑन कर दी मैंने। यहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी 60% करता हूँ मैं, और इसको सेलेक्ट करना था 60%। एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जो रहता है, यहाँ पे कलर बर्न करके है वो लिया मैंने। अब चाहे तो यहाँ पे अपेरेंस में देख सकते हो कितने पोर्शन आपने क्रिएट किए हैं उसके ऊपर। इंसुलेटर यहाँ पे फील्ड में नन है, और ओपेसिटी 60% एंड कलर बर्न कर दिया मैंने उसका। ये ऐसे ही रखना है आपको। देन मैंने अगेन पेंसिल टूल लिया, राउंड शेप में इस अभी मुझे पाथ क्रिएट करना है। तो मैंने पाथ क्रिएट कर दिया है राउंड शेप में। अगेन वही प्रोसेस करनी है आपको। ब्रशेस ऑन किए जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है, वही किया मैंने जो पिछले वाला ब्रश था। उसका स्ट्रोक कम कर दिया मैंने, इसे यहाँ पे ठीक से रख देता हूँ। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रोक का कलर जो रहता है वो वाइट कर दिया मैंने। उसके बाद है फिर से यहाँ पे जाता हूँ, ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी 60%, और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट। थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा के देखते हैं हम लोग कैसा दिख रहा है। 70% ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे लगेगा वो। चलो, तो इतना पोर्शन मैंने कवर अप कर लिया है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, 20% इज गुड नाउ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जो तीन टोस्ट के लेयर्स हैं वो मैंने तीनों सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को सेलेक्ट किया मैंने। कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। और इसे ब्लैंक कर देता हूँ, नन कर देता हूँ तीनों को। तीनों को मैंने नन कर दिया है। तो वैसे ही मैंने शिफ्ट होल्ड करके रखा, और ये अंदर वाले तो जो पाथ बनाए थे हम लोगों ने दो, एक सेलेक्ट किया और ये दूसरा वाला एक सेलेक्ट किया मैंने, दोनों सेलेक्ट किए। देन गया मैं ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क एंड मास्क। तो उससे क्या होता है, जो बाहर वाला जो क्लियर हो गया, मतलब जो मेरा पोर्शन बाहर जा रहा था टोस्ट के बाहर, वो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। ऑटोमेटिकली उस उतने ही पैच के अंदर वो सेट हो गया है। चलो, तो
अभी देखते हैं इसके अंदर वाला पोर्शन बना देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे एक मैं शेप क्रिएट करता हूँ पेन टूल लेके। अब यहाँ पे क्रिएट किया मैंने सेम एज इट इज, इसको थोड़ा तो छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सॉरी इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सेम पोर्शन आ गया। तो इसका एंगल चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और इसे ठीक से रख देता हूँ मैं। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं एरो से। उसके बाद अगेन पेन टूल, यहाँ पे एक पोर्शन बना देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने ऐसे तीन पार्ट्स बना दिए इसके। ओके, तो अभी इन तीन शेप को हमें कलर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ, कलर ऑप्शन ऑन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ। ओके, 213 एंड 110 एंड 54। ओके, देन ओके किया मैंने। इसकी आउटलाइन जो है वो नन कर देता हूँ मैं। देन इसको मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट स्टाइलिश एंड फेदर, तो फेदर जो है वो मुझे 50 रखना है यहाँ पे, 10 पिक्सल्स। ओके, तो इतना मैंने रख दिया मैंने इसको। देन अगेन इसको सेलेक्ट किया मैंने ब्लेंडिंग मोड, और ब्लेंडिंग मोड जो है हमें वो कलर बर्न करके रखना है। ओके, तो ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ मैं 60%। ओके, अगेन इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेम थिंग इसका भी थोड़ा कलर चेंज रहेगा 175। उसके बाद है 114 एंड देन 37। ओके, इसकी आउटलाइन पहले नन कर दिए मैंने, अगेन इफेक्ट स्टाइलिश फेदर, इसका फेदर 25 रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा। ओके कर दिया मैंने, ब्लेंडिंग मोड, ओपेसिटी 60%, और यहाँ पे कलर बर्न कर दिया मैंने, अगेन इसको सेलेक्ट किया मैंने, सेम वही प्रोसेस, कलर चेंज करेंगे 193। उसके बाद है 116 एंड उसका नेक्स्ट है 33। ओके, आउटलाइन नन कर दिया मैंने, अगेन इफेक्ट स्टाइलिश फेदर, इसका 50 अगेन। ओके कर दिया मैंने, ओपेसिटी 60%, ब्लेंडिंग मोड, कलर बर्न, तो देख सकते हो जो बर्न वाला पोर्शन लग रहा है, जो रोस्ट करते वक्त बर्न हो जाता है वो वाला पोर्शन लग रहा है ये। तो इतना टोस्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग ये फाइल सेव कर देते हैं, तो आगे के अभी प्रोसेस कर देते हैं हम लोग। ओके, तो मैंने पेन टूल लिया, अब इसके ऊपर मुझे बटर क्रिएट करना है, या बटर, तो हम लोग अभी पेन टूल से इसका एक ऐसे एडिशनल शेप बना देते हैं। अरे, इसके अंदर कलर पील हो रहा है, यहाँ पे नन कर दिया मैंने, आउटलाइन ब्लैक, क्लिक। एक बटर का तो ऐसा कोई शेप है नहीं, तो हम लोग जैसे चाहिए, मतलब वो मेल्ट होता है तो कैसे भी हो सकता है ना, तो हम लोग ऐसे ही बटर का शेप बना देते हैं। ये एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अगेन
जैसा ठीक लगे आपको वैसा शेप बना दीजिए इसका। ओके, तो मैंने इतना बना दिया है, क्लिक किया। उसके बाद मैंने ग्रेडियंट ओपन किया। फर्स्ट यहाँ पे मैंने नीचे क्लिक कर दिया, ब्लैक एंड वाइट तो कलर नहीं चाहिए मुझे। फर्स्ट यहाँ पे क्लिक एंड डबल, तो यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं हम लोग 255, उसके बाद 254 एंड 252। तो ये अब सॉरी, तो यहाँ पे कलर फिल नहीं हुआ शायद से, गलती से। अगर मैंने सेलेक्ट फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक 255 254 एंड 252। हाँ, तो बन गया यहाँ पे कलर। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो अगेन एक बार और एक बार बना देते हैं हम लोग। डबल क्लिक 255 254 252। ओके, ये कलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है शायद से। अगेन जब तक नहीं बनता है तब तक आप बना दीजिए उसका कलर। क्लिक किया एंड ओके, हाँ तो फील हो गया। ओके, सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, डबल क्लिक। अभी इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग 255 254 162। तो एक बार यहाँ पे भी क्लिक कीजिए एंड ओके, तो दोनों सेम लग रहे हैं जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लीनियम यहाँ पे एंगल थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं हम लोग 150 नीचे 120 ठीक है। अगेन डबल क्लिक, दूसरा कलर ज़रा देख देता हूँ पूरा। डबल क्लिक 255 254 252। ओके, वेरी गुड, अभी परफेक्ट एंगल से बन गया इसका कलर। इसका स्ट्रोक निकाल देते हैं हम लोग। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगेन इफेक्ट स्टाइलिश फेदर, फेदर कम कर देते इसका 8 एंड ओके। इसको अगेन सेलेक्ट, इसकी ओपेसिटी कम करनी है, ओपेसिटी 50%। अगर आपको ये कम दिख रही है ओपेसिटी तो ज़रा बढ़ा दीजिए आप। ओके, तो इतनी ओपेसिटी ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे बटर का वेव बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा कलर फील हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पे नन एंड ब्लैक स्ट्रोक। ओके, तो इसको मैंने एक छोटा सा ऐसा वेव टाइप बना दिया है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको अभी मैंने सेलेक्ट किया, वाइट कलर कर देता हूँ मैं इसको। स्ट्रोक मैंने निकाल दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देता हूँ मैं। ओके, उसके बाद बटर वाला पोर्शन बना देते हैं। अगर मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया, ओके कर देता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे रखते हैं इसे, तब तक के लिए नन लाइन ब्लैक कर देता हूँ। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं हम लोग।
ऊपर रख लूँ। ओके, उसको मैंने सेलेक्ट किया, कलर फील करना है हमें इसके अंदर अभी, तो कलर ऑन कर दिया मैंने, तो बटर वाला कलर हम लोग क्रिएट करते हैं 255, 246 and 181। ओके, इसकी आउटलाइन में वन इसको सिलेक्ट किया मैंने, इफेक्ट, और इसे हम लोग हमें अभी शेडो देनी है। ओके, तो उसके लिए हम लोग इफेक्ट में आए, शेडो का ऑप्शन यहाँ, सॉरी, स्टाइलिश एंड ड्रॉप शेडो। ओके, तो ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ओपेसिटी रखते हम लोग 35% इज गुड, एंड एक्स एक्सिस ओपेसिटी रखनी चाहिए मुझे, 0 कर देता हूँ यहाँ पे। वाई एक्सिस के अंदर मैं -2 ओपेसिटी डालता हूँ, ब्लर 5% ठीक ही है। ओके, तो कलर मतलब आपको कौन से शेडो का कलर कौन सा चाहिए, मुझे ब्राउनिश चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 91, 40 and 5। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे चाहे तो प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, एंड ओके कर दिया मैंने, थोड़ा सा शेडो आ गया, चाहे तो यहाँ पे पेपर पे आके आने के बाद आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आपको अगर कम दिख रही है तो। ओके, तो और एक बार हम लोग इस बटर की लेयर को कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C and Ctrl+V, शायद से इसको भी शेडो आ रही है, तो इसकी शेडो नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे अपेरेंस ऑन कर दिया, और यहाँ पे जो ड्रॉप शेडो के आगे एक आई दिख रहा है, तो उसे मैं विजिबल कर दिया मैंने। तो तब तक के लिए मैं इसके अंदर दूसरा कलर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक से रख दिया मैंने, एंड Ctrl+Curve Bracket, इससे क्या होता है वो उसके बैक में जाएगा, और इसे मूव कर देता हूँ मैं उसे। ओके, एरो से मैं उसे ठीक तरीके से रख सकता हूँ, थोड़ी सी साइज यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ मैं उसको। ओके, तो इसका कलर मुझे चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं 250। ओके, इसके बाद 229, 139। ओके, तो उसका बैक लेयर जैसे लग रहा है वो लोग देख सकते हैं। ओके, तो इतना तो पोर्शन मेरा बन, चलो। ओके, तो आगे का जो पोर्शन रहेगा मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।